केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के अतिरिक्त राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और संबंधित विषयों के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन की ट्रेन दुर्ग हजरत निजामुद्दीन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने और जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने की ब्रांडिंग के लिए चुना गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक दिन पहले ही जन औषधि की ब्रांडिंग वाले पोस्टर्स के साथ छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये ट्रेन शनिवार को रायपुर पहुंची। इस ट्रेन में सवार लोगों ने बताया कि ये लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा, क्योंकि इसके माध्यम से जन औषधि के बारे में लोगों को जानकारियां प्रदान की जाएंगी। एक नागरिक के लिए बहुत अच्छी है, खासकर गरीब जनता के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें 50% से लेके 90% तक की सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी। इसका कृपा सभी लाभ उठाइए। केंद्र की जो योजना है सस्ती दवाइयों के लिए 50 से 90%, ये गरीबों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और इस समर्थन में हम सबको साथ बढ़ना चाहिए मोदी जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। बताया गया कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि गुणवत्तापूर्ण दवाएं समाज के सभी वर्गों तक पहुंचें।